Hey guys, hope you are doing well. So, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको 2024 में होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं। So, इसलिए आज मैं आपके साथ चार पॉइंट शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला रहेगा कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद करियर कैसा रहेगा। सेकंड पॉइंट इज कि क्या आपकी करियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आफ्टर होटल मैनेजमेंट गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। एंड फाइनली आवर फोर्थ पॉइंट इज क्या आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं, और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल तरीके से क्लियर करने वाले हैं गाइस। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके डेफिनेटली दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ये क्लियर है, या फिर ये हो सकता है कि अभी आप इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और फ्यूचर में देख रहे हैं कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या नहीं। So, सबसे पहला पॉइंट है कि क्या आपका करियर रहने वाला है होटल मैनेजमेंट करने के बाद, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि होटल मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, व्हाट इज होटल मैनेजमेंट। गाइज, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हो कि होटल मैनेजमेंट है क्या। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज होटल मैनेजमेंट एक्चुअली। मोस्टली लोग समझते हैं कि होटल मैनेजमेंट अगर आपने किया है तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप सिंपली होटल में जाकर के जॉब करोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपल तरीके से समझो, होटल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको सिर्फ होटल में जॉब मिलेगी। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको उन हर एक सेक्टर में जॉब मिल सकता है जहां पे हॉस्पिटैलिटी सर्विस दी जाती है। हॉस्पिटैलिटी सर्विस का मतलब है कि आपको अपने गेस्ट को, अपने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस फील कराना होता है। एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए आज के टाइम पे बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आप जॉब कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप क्रूज में जॉब कर सकते हो, आप एयरलाइन में जॉब कर सकते हो, आप रिटेल सेक्टर में, जैसे कि आपका कल्याण ज्वेलर्स है, रिलायंस रिटेल है, टाटा का क्रोमा है, इस तरीके से कई सारे बड़े रिटेल स्टोर में आप जॉब कर सकते हो। वहां पे आप मैनेजर लेवल तक भी पहुंच सकते हो गाइज। इसी के साथ आप QSR में जॉब कर सकते हो। QSR जैसे कि आपका मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, इसी तरीके से बड़े सारे ऑप्शंस है। आप जैसे कि आप कई सारे अच्छे मल्टीप्लेक्स होते हैं, वहां पे भी फ्लोर मैनेजर का पोस्ट होता है और भी बड़े सारे ऑप्शंस रहते हैं इसमें भी। अभी कई सारे ऐसे कॉर्पोरेट बैंक्स हैं जहां पे आपको मे हेल्प यू में जॉब लग सकता है, साथ ही आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, और भी बड़े सारे ऑप्शन है गाइज। इसके ऊपर मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ है, तो यहाँ ऊपर आई बटन में देता हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट जरूर से क्लियर हो। इसी के साथ आपको बता दूं कि फॉरेन जाने के लिए, अब्रॉड जॉब के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट अभी के टाइम पे। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और आप अब्रॉड जॉब करना चाहते हो तो होटल मैनेजमेंट से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। आज के टाइम पे कई सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे होटल मैनेजमेंट के बच्चों का रिक्रूटमेंट भर भर के हो रहा है, काफी वैकेंसीज आ रही है वहां पे, और बच्चे अभी अब्रॉड जॉब करने के लिए बहुत ज्यादा जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आपने सोचा है कि आपको फॉरेन जाकर के जॉब करना है, आपको अब्रॉड जॉब करना है, सो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू गाइस। आप होटल मैनेजमेंट करके बड़े ही आराम से अब्रॉड जा सकते हो गाइस। आपने इंडियन अब्रॉड में कई सारे ऐसे जगहों पे जहां पे भी कस्टमर सर्विस पोजीशंस होती हैं, वहां पे आपने होटल मैनेजमेंट के बच्चों को देखा होगा, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को देखा होगा। क्यों? क्योंकि होटल मैनेजमेंट यानी कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपको ऑल ओवर द कोर्स हॉस्पिटैलिटी एटिकेट्स आपको बताए जाते हैं गाइस। फ्रेंड्स, आप ऐसा कह सकते हो कि होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर जो हॉस्पिटैलिटी एटिकेट्स होती है वो अदर कोर्स के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी ज्यादा होती है। गाइज, अब जहां तक बात कर ले अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जॉब्स के बारे में, सो अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट के इस इंडस्ट्री में जॉब्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया एंड अब्रॉड हर जगह पे बहुत सारे होटल्स अभी नए ओपन होने जा रहे हैं। तो आपको आने वाले अभी 3-4 सालों में भी जो जॉब्स है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए वो कम होता हुआ किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। इस इंडस्ट्री के बारे में आप एक चीज समझ लो कि होटल मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री है गाइस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये एवरग्रीन ब्रांच है। यहाँ पे जॉब्स आपके लिए हमेशा होता है। कोविड के टाइम पे एक सिचुएशन जरूर आया था जहां पे जॉब्स को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही नहीं और भी कई सारे इंडस्ट्री में, उसमें से एक हमारा भी इंडस्ट्री था गाइस जहां पे जॉब को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। लेकिन वापस से जो वो जे कर्व है उसकी स्पीड से जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ा है। तो अभी जॉब का जो सिनेरियो है वो बहुत ही बेहतर हो चुका है, जहां पे आपको आपके प्रॉपर ग्रोथ के साथ जॉब अवेलेबल है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए।
साथ ही अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूज शिप के जॉब के लिए गाइस। तो क्रूज में जॉब करना बहुत सारे लोग चाहते हैं क्योंकि क्रूज की जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लोग चाहते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद कि वो क्रूज में जाए, क्रूज ज्वाइन करें। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक क्रूज में ज्वाइन करना बहुत ही टफ रहता था। कई सारे एजेंट्स हैं मार्केट में, कई लोगों का वहां पे पैसा फंस जा रहा था, कई लोगों का इंटरव्यू होने के बाद, ऑफर लेटर तक आने के बाद भी क्रूज में जॉब नहीं हो रहा था। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं है, क्रूज में भी अब इजीली आपको जॉब मिल जा रहा है। मेरे कई सारे ऐसे नोन मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी क्रूज में अपना जॉब कर रहे हैं, कई सारे ऐसे नोन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी क्रूज ज्वाइन किया है। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है, अगर आप क्रूज पे जाना चाहते हो तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां भी बहुत सही है अभी। सो इसलिए यार, अगर आप होटल मैनेजमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस बनाने में बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही मेहनत लगता है। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, मैक्सिमम शेयर जरूर कर दो। अगर इसी तरीके के वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहां पे मिलती रहने वाली है। आपका सपोर्ट दिखेगा मुझे तो डेफिनेटली मैं आगे और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। सेकंड पॉइंट कि भाई आपकी करियर एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, तो देखो यार ये जानना बहुत जरूरी है रेदर देन के जॉब्स हैं या नहीं है, बिकॉज जॉब्स बहुत है, लेकिन क्या आपकी करियर एक्सपेक्टेशन है ये आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज आप अभी भी ये सोच रहे हो कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको डायरेक्ट मैनेजर बनने का मौका मिल जाएगा, आप किसी अच्छे पोजिशन पर बड़े सैलरी पैकेज के साथ जॉब कर रहे होगे, तो सॉरी ऐसा नहीं होने वाला। पहली बात तो यहाँ पे आपको डेस्क जॉब नहीं मिलेगा, आपको घंटों खड़े होकर काम करना पड़ेगा, आपको बैठने का मौका बहुत ही कम मिलेगा, आपको फिजिकली मूवमेंट करना होगा, आपको फिजिकली काम करना होगा, इन शॉर्ट कि यहाँ फिजिकली टायरिंग जॉब होती है। अगर आप इन चीजों को समझ गए हो और आप ओके हो तो डेफिनेटली होटल मैनेजमेंट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, किसी भी तरीके से आपको रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं चलना है कि आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद डायरेक्ट सीधा मैनेजर बन जाओगे, आप बहुत बड़े शेफ बन जाओगे, आप किसी स्टोर के बहुत हेड बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सब कुछ आपको आप ये सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जो भी आपका गोल है, मैनेजर बनना है या फिर हेड शेफ बनना है, ये सब आप अचीव कर पाओगे गाइस। इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग के टाइम पे आपको जरूर से ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन आगे जो ग्रोथ परस्पेक्टिव है वो बहुत ही हाई होता है होटल मैनेजमेंट में। चलो ये सब तो था आपके एक्सपेक्टेशन के पार्ट में ही, लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि शुरुआती सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी होटल मैनेजमेंट करने के बाद, वो क्या रहती है। इस इंडस्ट्री के लिए गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसा है कि आगे बढ़ के जब आप एक अच्छे पोजिशन पर आ जाते हो धीरे धीरे, उसमें टाइम टेकिंग है, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे लोग लाखों में पैसे छाप रहे हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल की बात करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सैलरी देखने को नहीं मिलेगा गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहां पे आपको सफर करना होगा, थोड़ा सा थोड़ी सी स्ट्रगल आपकी इनिशियल डेज में जरूर रहेगी कुछ सालों तक। जब अगर आप फॉरेन निकल जाते हो, अगर आप क्रूज ज्वाइन कर लेते हो एक आध साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद इंडिया में, फिर आपका जो सैलरी है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी स्किल डेवलप हो जाती है, आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, आपको बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे बहुत अच्छा सैलरी के साथ मिल सकती है गाइस। इसी में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप अब्रॉड जाके काम करें, आप क्रूज में जाकर के काम करें, आप किसी दूसरे कंट्रीज में जाकर के जॉब करो, तो ये सब कुछ आपका होटल मैनेजमेंट के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। यानी कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली अब्रॉड जॉब के लिए जा सकते हो गाइस। देखो, इस पूरे कहानी का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि होटल मैनेजमेंट के कोर्स को कर लेने के बाद ही, छूटने के साथ ही आपका जो सैलरी होगा वो लाख रुपए पर मंथ हो जाएगा। एक टाइम आएगा धीरे धीरे ग्रोथ के साथ, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए वो लाख रुपए भी नहीं, वो उससे भी ऊपर आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन इनिशियल डेज में आप अगर लाख रुपए महीना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मुश्किल है। सो अब अगर आपका क्लियर हो गया है कि आपका करियर कैसा रहेगा होटल मैनेजमेंट में और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद
गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। तो इसके लिए गाइज ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बता देता हूँ कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट IHM में या फिर किसी भी होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए क्या कैसे क्राइटेरिया होता है, क्या कैसे प्रोसेस होता है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरी डिटेल तरीके से वीडियोज बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, साथ साथ यहाँ ऊपर आई बटन में मैं दे दे रहा हूँ, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हो गाइज के होटल मैनेजमेंट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब आप कैसे ले सकते हो। साथ ही कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट करोगे तो जो भी जनरल कंपटीशन के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बैंक का हो गया, SSC हो गया, UPSC, BPSC हो गया, तो इन सभी का फॉर्म वो नहीं भर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करते हो तो आप इजिली जो भी जनरल कॉम्पिटिशन के फॉर्म आते हैं उसको आप फिल कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही तो आप वहां पर जॉब भी ले सकते हो। ये बस एक कॉन्सेप्ट है कुछ स्टूडेंट्स का, तो वो क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। चलो अब ये सब कुछ क्लियर हो गया, तो फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या होटल मैनेजमेंट 2024 में करना चाहिए या नहीं, और किस किस को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर आप इन सभी चीजों से ओके हो कि आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा, आपको डेस्क जॉब नहीं मिलेगी, आपको मूवमेंट करने होंगे, आपकी स्टार्टिंग में सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप अब्रॉड चले जाते हो जॉब करने के लिए या फिर आप क्रूज में जॉब करते हो तो आपकी आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। और अगर आप शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हो, शिफ्ट में मीन्स कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होगी, कभी इवनिंग होगी, कभी नाइट शिफ्ट भी आपकी लग सकती है, या फिर एक चीज और है कि आपकी यहाँ पे सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है वो आपकी नहीं होगी, आपकी कभी भी आपको लीव दी जा सकती है, कभी आपको मंडे को मिल गया, कभी ट्यूजडे को मिल गया, कोई फिक्स नहीं है छुट्टी को लेकर। इन सभी चीजों से अगर आप ओके हो या फिर आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नाइट शिफ्ट होगी, आपकी कौन सी शिफ्ट रहेगी, इवनिंग होगी या फिर मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, आपको छुट्टियां इसमें पहले आप समझ लो कि आपको सैटरडे संडे की छुट्टियां यहां पे नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है होटल इंडस्ट्री में। इसमें क्या है कि आपको कभी मंडे की भी छुट्टी मिल सकती है, कभी वेंसडे की भी मिल सकती है, तो आपकी छुट्टियां यहां पे फिक्स नहीं रहने वाली। इन सभी चीजों से अगर आप ओके हो तो डेफिनेटली आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो गाइस। और इसके साथ अगर आप लड़के हो तो आपको प्रॉपर सेव करके जाना होगा, फुल ग्रूमिंग रखनी पड़ती है यहाँ पे। अगर आप लड़की हो तो उसके लिए भी प्रॉपर ग्रूमिंग आपको रखनी होगी। ग्रूमिंग को लेकर के ऑलरेडी मैं एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि होटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर में ग्रूमिंग कैसे और किस तरीके से आपको रखना चाहिए, कैसे रखना होता है, किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो इन चीज़ों को। तो अगर इन सभी चीजों से आप ओके हो, क्योंकि देखो लड़कों को लेकर के ना बॉयज के अंदर बॉयज को लेकर के बहुत ये रहता है, जब लड़के पहली बार जब कॉलेज भी ज्वाइन करते हैं तो उनका ऐसा होता है कि उनको दाढ़ी नहीं रखनी होती, उनको आजकल जो बियर्ड लुक चलता है तो बहुत से बच्चे अपने बियर्ड लुक को लेकर के जाते हैं, उनको अपनी बियर्ड शेव नहीं करवानी, तो उन सभी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि आपको जब आप होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉपर शेव करके जाना होता है कॉलेज, आपको डेली शेव करना होगा। अगर इन सब चीज से प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो गाइस। साथ ही इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम कर देता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करोगे तो भी आपका काम यहाँ पे बन सकता है गाइस। यही अगर आपको कस्टमर सर्विस जॉब पसंद नहीं है, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन जो है वो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है, आपको अब्रॉड जॉब नहीं करना, आपको लंबे लंबे शिफ्ट वाले आर्स नहीं करने, आपको खड़े होकर के जॉब नहीं करना, आपको सिर्फ डेस्क जॉब चाहिए, तो ये जॉब होटल मैनेजमेंट आपके लिए नहीं है गाइज। आप कोई दूसरा कोर्स देख लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो आपके अंदर प्रॉपर जो डिसिप्लिन है, ग्रूमिंग है, आपको बहुत लंबे देर तक खड़े होकर जॉब करना पड़ सकता है। डेस्क जॉब की आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, इनिशियल स्टेज से ही आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, वो भी कम सैलरी में भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप इन सब चीज से ओके हो तभी करो, अगर आप इन चीजों से ओके नहीं हो तो गाइज होटल मैनेजमेंट आपके लिए नहीं है। क्योंकि होटल मैनेजमेंट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, आपको फिजिकली टायरिंग जॉब होता है यहाँ पे, तो आप फिजिकली बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने स्किल्स के ऊपर। हाँ, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है होटल मैनेजमेंट में, उसके लिए मैं एक क्लिप यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, मुंबई के निखिल का छोटा सा क्लिप है। बहुत सारी चीज होती है, होटल मैनेजमेंट इज अ जुगाड़ू कॉलेज। अगर आपका बेटा कुछ सीखना चाहता है अगर उसको होटल मैनेजमेंट डाल दो, दुनियादारी सीख जाएगा, सारी जुगाड़ सीखेगा। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो सीखेगा, हॉस्पिटल सीखेगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज की एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कैसा होता है काम का, वो सीखेगा।
तो वो बहुत अच्छी चीज है, हमने वो सीखा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जरूर है होटल मैनेजमेंट में, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो या अगर आप अपने लाइफ में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आप अब्रॉड जाकर के क्रूज में जाकर के अच्छा पैसा कमा सकते हो इस होटल मैनेजमेंट कोर्स को करने के बाद। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्टडी बहुत ज़्यादा, जिनका एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, जिनके लिए मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह करना थोड़ा सा उनको ओखा लगता है, तो आप होटल मैनेजमेंट देख सकते हो। लेकिन उसके लिए जो भी इससे पहले मैंने अभी जॉब्स के को लेकर के बताया है, करियर एक्सपेक्टेशंस मैंने बताए हैं, अगर इन सभी चीज़ों से आप ओके हो तभी आप होटल मैनेजमेंट के लिए जाना, तभी आपके लिए होटल मैनेजमेंट सही है गाइस। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपका प्रैक्टिकल स्किल बहुत काम आता है, आपकी प्रैक्टिकल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो तो होटल मैनेजमेंट आपके कोर्स के दौरान भी आपका जो होता है वो प्रैक्टिकल 70 तो थ्योरी 30 होती है गाइस। मींस 70% आपका सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है और 30% आपकी थ्योरी कराई जाती है। इसलिए जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो आप यहाँ पे अपना कोर्स कर सकते हो, लेकिन आपको फिजिकली स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको फिजिकली काम सीखने पड़ेंगे, फिजिकली खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा गाइस। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए गाइस, तभी आप इस इंडस्ट्री में आगे जाके झंडे गाड़ सकते हो, आप बहुत पैसे कमा सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में बहुत पैसा है अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट में आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाता है जिसके बेस पे आप अपना खुद का बिजनेस, खुद का रेस्टोरेंट, कैफे या फिर खुद का इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ आप अपना खोल सकते हो जिसमें आप अंधा पैसा छाप सकते हो दोस्त, अंधा पैसा। लेकिन उसके लिए भी आपको आपकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पहले आप अगर इंडस्ट्री में जॉब कर लेते हो, इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपने आप को घिस लेते हो, उसके बाद ही आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आ पाओगे कि आप अपने खुद का रेस्टोरेंट डाल पाओ, खुद का बिजनेस डालो, खुद का कैफे डाल सकते हो। तो उसके लिए भी आपको गाइस एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए आपको जॉब करना ही पड़ेगा। तो चीज़ों को समझो, वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या अगर आपको इससे अलग कुछ जानना है, तो कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी कुछ सॉल्यूशन करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स से ही हमारा मोटिवेशन बनता है। अब आपके माइंड में आएगा कि आप होटल मैनेजमेंट करना तो चाहते हैं लेकिन कहां से करें, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो NCHM काउंसलिंग और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।